हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, टर्बो एमएल की तरफ से आप लोग लिए सबसे बड़ी इंटर्नशिप आ रही है, जो कि गाइज ये फ्रेशर्स के लिए ये होने वाली है। तो गाइज, अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हो और आपके पास बी बीटेक एमटेक या पीएचडी की डिग्री है, तो ये गाइज आप लोग के लिए इंटर्नशिप आई हुई है। गाइज, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए टर्बो एमएल दे रही है। ये गाइज इंटर्नशिप आपके जून जुलाई में होने वाली है, और गाइज अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट 15 अप्रैल होने वाली है। तो गाइज, अगर आप भी इस इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो और आप भी 2024 बैच के कैंडिडेट हो या फ्रेशर्स हो, आपके पास डिग्री है, तो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए देख सकते हो। तो गाइस, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में डिटेल दिखाने वाला हूँ, तो विदाउट स्किप वीडियो को एंड तक देख लेना। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, फाइनली आप लोग यहाँ देख सकते हो टर्बो एमएल समर इंटर्नशिप अप्लीकेशन फॉर्म लेके आई हुई है। तो गाइस, अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। उससे पहले गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो भी आप रेज्यूमे अपलोड करोगे, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड बाई 20 अप्रैल तक आपको बता दिया जाएगा। जो समर जो स्टार्ट होने वाला है, जो आपकी इंटर्नशिप है, वो मई या जून 2024 में स्टार्ट होगी। लोकेशन गाइज वर्चुअली होने वाली है, और गाइज स्टाइपेंड की बात करें तो 1 लाख पर एनम मिलने वाली है। इसके अलावा गाइज, डेडलाइन जो है फॉर्म को अप्लाई करने का 15 अप्रैल है, तो आप लोग 15 अप्रैल से पहले तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे इस फॉर्म को, उसके बाद टर्मो एमएल जो है वो इसको देखेगी, फिर से ना आपको शॉर्टलिस्टिंग करेगी। उसके बाद गाइस, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। यहाँ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से हो, मेजर क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें भरना। उसके बाद डायरेक्ट इसके बाद आपको नेक्स्ट। तो गाइज, आप लोग इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये गाइज टर्बो एमएल से आप लोग के लिए आ रही थी। तो गाइज, अगर आपके पास बी बी टेक एम टेक या पीएचडी की डिग्री है, तो आप लोग डायरेक्ट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए गाइज, आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।